हमारे साथ समाज सेवी संजीव जी, हाँ ये बात करते हैं। सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी पार्टी ने जो बहुत बड़ा परचम जो है यूपी के अंदर फहराया है और कई जगह जो 3 सीटों के स्टेटों की बात की गई थी वो 3 सीटें पूरी जीतती हुई दिखाई दे रही है। हाँ जी बिल्कुल दिखाई दे रही हैं और ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही हुआ है, क्योंकि जिस ईमानदारी निष्ठा से वो देश को संभाल रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाला समय पूरा भारत ही लगभग हो ही चुका है, जो एक आधी कोई स्टेट रह भी गई होगी वो भी सब हमारे पास ही आएगी। इस बार देखने में आ रहा था काफी जो कहा जा रहा था कि नोटबंदी के चलते लोग जो है भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं सब कुछ फेल होते हुए दावे दिखाई दे। हाँ जी बिल्कुल है, नोटबंदी सिर्फ इसलिए की गई है क्योंकि जो बाजार के अंदर या हमारे जो पड़ोसी देश हैं उन्होंने कुछ गड़बड़ की हुई थी नोटों में, और वो बंद होने से उससे हमारे देश का विकास ही हुआ है, और जो नए नोट आ रहे हैं उसमें कोई भी किसी प्रकार का जितनी भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो सिर्फ बेकार की हैं, और इससे हमारे देश तरक्की ही करेगा। आप देखिए आज पूरे वर्ल्ड में जाइए, किसी भी कंट्री में जाइए, आज हमारी इतनी इज्जत है हमारे भारतीय पासपोर्ट की, हमारे जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं हमें बड़ा वेलकम मिलता है और बहुत सम्माननीय दृष्टि से देखा जाता है। साथ ही साथ आज एक और ऐतिहासिक दिन भी है कि रोनी से आपके एक नहीं दो मेंबर जो है गुरुद्वारा कमेटी के चुनकर आए। हाँ जी ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे अकाली दल बादल से पहले विक्रम सिंह रोहिणी जी पूरी दिल्ली में ही फर्स्ट आए हैं, और उसके बाद आज हमारे विरक साहब सर्वजीत सिंह विरक जी जीते हैं, तो बड़ी खुशी की बात है, और 35 मेंबर होने के बावजूद भी हमारे उनको 40 वोट मिली हैं, ये बड़ी खुशी की बात है कि इसका मतलब दूसरे जो 5 लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे साथ हमारे विचारधारा से जुड़े हुए हैं। क्या माना है जिस तरह से अब यूपी के अंदर आया और सेंटर के अंदर जिस तरह से सरकार काम कर रही है, क्या 2019 का चुनाव फिर से जो है मोदी को आगे रख के लड़ा जाएगा? बिल्कुल लड़ा जाएगा जी, और दोबारा से वो उससे भी ज्यादा बहुमत से हमारी सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, और अभी मुझे लगता नहीं 2019 नहीं, मुझे कहना चाहिए कि 2024 में भी मोदी जी ही रहेंगे। तो आपने देखा भाजपा वर्करों के अंदर काफी खुशी की लहर है, उनका कहना है कि 2019 के अंदर भी फिर से जो है भाजपा केंद्र के अंदर सरकार बनाएगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन रचना के साथ सुदीप सिंह, लिविंग इंडिया न्यूज़।